हेलो दोस्तों, तो टेस्ट नंबर जो था हमारा ये 7, टेस्ट नंबर 7 मैथमेटिक्स, टेस्ट 7 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 31 से हमें 50 तक करना है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 8 आर, तो आप ए को 8 आर लिख दो। पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 12 आर, बी 12 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ पे एक कोई नंबर ले लो जो 8 और 12 से कट जाए, या 24, ये हो गया 24 लीटर का आपका टंकी। तो ए कितने देर में भरेगा? 8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर। और ये बी 1 घंटे में कितना भरेगा? 2 लीटर, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि 7 बजे ए चला और 9 बजे चला बी, तो 7 में से 9 बजे तक तो ए अकेला चला कितने? 2 घंटे। तो 2 घंटे में वो कितना भरेगा? हर घंटे 3 लीटर, तो 6 लीटर भर दिया। तो 24 में से 6 लीटर गया, तो अब कितना लीटर बच गया? 18 लीटर बच गया, ठीक है। अब ए और बी दोनों एक साथ भरेंगे, तो दोनों एक साथ भरेंगे तो कितना भरेंगे? 5 लीटर। तो 18 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? काट दो, 3 5 से 15, 3 18, और ये 5, 3 3 बाई 5 आर, मतलब क्या? 3 घंटे और 3 बाई 5, इस आर को मिनट में बदल लो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा? 3 घंटे 36 मिनट लगेगा। और तो 9 3 12, 12 बज के 36 मिनट में टंकी भर जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए। 32, अ ट्रेन मूव्स पास्ट द टेलीग्राफ पोस्ट। एक टेलीग्राफ पोस्ट है, यहाँ पे ट्रेन आई और इसको पास कर दिया। एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड। एक गतिमान रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकेंड और 20 सेकेंड लगाती है, ठीक है। देखो, ये तो है तुम्हारा पोस्ट और 264 मीटर का ये ब्रिज, ठीक है ना। तो इसको पार करने में इसने कितना टाइम लिया? 8 सेकेंड। और इस ब्रिज को पार करने में लिया 20 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है? देखो, यहां पे ट्रेन की स्पीड क्या होगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। यहां पे ट्रेन अपनी ही लंबाई को नापता है। जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी अपनी चौड़ाई नहीं होती, जैसे पोस्ट है, इसकी अपनी कोई चौड़ाई नहीं है, लेकिन जो ब्रिज है वो तो है 264। तो ट्रेन जब भी किसी को पार करता है, करती है, तो अपने लेंथ को प्लस उस सबस्टेंस को, वो जो जिस चीज को पार कर रही है उसको, वह उतने समय में पार करती है। तो यहां पे क्या होगा? ट्रेन का लेंथ प्लस पोस्ट का लेंथ। पोस्ट का लेंथ कुछ होता नहीं है, जीरो। मैन का, पोस्ट का, ट्री का, ऐसे चीज जो छोटे होते हैं, इनका कोई लेंथ नहीं होता। कितने सेकंड में पार करती है? 8 सेकंड में। इसी स्पीड से ट्रेन 264 मीटर प्लस अपनी लंबाई को 20 सेकंड में पार करती है, समझ गए आप? तो देखो, दोनों तो स्पीड है ना, तो इसको आप कॉमन वो ले लो, इक्वल कर दो, दोनों को कंपेयर कर लो। ऐसे कर लिया, 4 दुनिया 8, 4 5 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5L इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा? 4 2 8, 6 2 12, 2 2 4, 1 5, ठीक है। और प्लस 12, देखो ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा? 3L। और इधर कितना आएगा? 5 28, काट दो 3 से, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, और ये 2 3 7 21, 3 7 जा 21, और 3 6 जा 18। तो लेंथ निकल गया किसका? ये लेंथ निकला है मीटर में ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई इतनी है, लेकिन स्पीड पूछा है, तो स्पीड इस वाले में रख दो, किसी में रख दो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी, इसमें रखते हैं, छोटा है। तो कितना होगा? 176/8। तो 8 दुनी 16, 8 दुनी 16 मीटर पर सेकंड जो है वो आंसर आएगा। लेकिन अब आंसर देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे 22 को। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5, जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18। बस अब पॉइंट में आएगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये पूरा कटेगा नहीं। तो 18 दुनी 36, 3, 18 दुनी 36, 36 और 3, 39, 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, देख रहे हो, यही आएगा 35, यहाँ 4, 5 9 जा 45, 7 9, ठीक है। चलिए, लेकिन भाइयों यदि कोई इस क्वेश्चन में दिमाग लगा ले तो इतना सारा लिखना भी नहीं पड़ेगा और छोटा हो जाएगा। वो कैसे? मैं वो भी आपको करके दिखाता हूं कि हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं बिना
इस लंबे मेथड के, छोटे मेथड से ये मेथड भी ठीक है, लेकिन मैं और छोटा करके दिखाता हूँ। देखो भाइयों, इसने क्या कहा कि 8 सेकेंड में तो ये पोस्ट को पार करता है और 20 सेकेंड में ब्रिज को पार करता है, ठीक है। तो जब इसने पोस्ट को पार किया तो अपने लेंथ को पार करता है ना, तो जब वो 20 सेकंड ले रहा है तो इसमें 8 सेकंड तो वो अपने अपने को पार करने में लेगा ना, तो बस ब्रिज को कितने सेकंड में ट्रेन क्रॉस करेगी, 12 सेकंड में। तो ब्रिज की लंबाई इतनी और टाइम लगा इतना, तो ये स्पीड आ गया 22 मीटर पर सेकंड। इसको यदि तुम 18/5 से करोगे तो किलोमीटर पर आर के फिर यही आएगा, समझ गए इस बात को। क्या किया मैंने, देखो 8 सेकंड में तो उसने पोस्ट को पार किया, तो जब भी छोटे चीज को पार करती है, ऐसे चीज को ट्रेन जिसकी कोई लंबाई अपने में कोई चौड़ाई नहीं होता, ट्रेन के भाई ट्रेन के लंबाई के सामने में पेड़ की, पोस्ट की, पत्थर की लंबाई क्या है, ठीक है ना। लेकिन ब्रिज तो लंबी होती है ना, तो ट्रेन जब पोस्ट को क्रॉस कर रही थी तो अपने को क्रॉस किया, यानी ट्रेन अपने लेंथ को 8 सेकंड में क्रॉस करती है, और जब 20 सेकंड में वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो इसमें से 8 सेकंड तो ट्रेन का अपना है ना, तो ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 12, यानी ब्रिज का लेंथ अपॉन टाइम, ये आ गया स्पीड, है ना। उसको मैंने मीटर पर आर, किलोमीटर पर आर में चेंज कर दिया 18/5 से मल्टीप्लाई करके। होपफुली आप इस बात को समझ चुके होंगे, समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन ऑब्जर्व दैट अ ट्रेन इज 120 मीटर लॉन्ग क्रॉस्ड हिम इन 9 सेकंड। ये एक मैन है, इसने देखा कि 9 सेकंड में ट्रेन आई और फटाक से इसको क्रॉस करके चली गई। द स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज, तो ट्रेन की स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड में निकालो, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, जब ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपने लेंथ की प्लस मैन के लेंथ को क्रॉस करेगी उसी कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। लेकिन भाइयों मैन का तो कोई लेंथ होता नहीं है ट्रेन के सामने में, तो ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करेगी, है ना। देखो जो चीज़ें छोटी होती हैं, जैसे मनुष्य है, मैन है, ट्री है, पोस्ट है, लाइन है, माइलस्टोन का पत्थर है, ऐसा कोई भी चीज़, इसको जब ट्रेन क्रॉस करती है ना तो अपने ही लेंथ को क्रॉस करती है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के सामने इसकी लंबाई क्या है, उसके एक मतलब कि एक जो उसके उसका बम्फर लगा होता है उतना भी नहीं है मोटाई एक पेड़ की या इंसान की, ठीक है ना। इसीलिए तो ये 0 हो गया। तो ट्रेन की लेंथ 120 मीटर और टाइम लगा 9। तो लेकिन ये तो किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आया। अब इसको किलोमीटर पर आर में चेंज कर लो 18/5 से मल्टीप्लाई करके। 9 2 18, 5 2 10 और ये 0, तो 20 2 40, 40 किलोमीटर पर आर जो है, लेकिन 40 किलोमीटर यहाँ तो आया नहीं, तो कुछ हमने कुछ गलत कर दिया होगा। मैन ऑब्जर्व 120 मीटर और क्रॉस किया 9 सेकंड में, 18/5 से करेंगे, किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए 9 2 18, 5 2 10, 5 6 20, अच्छा 24 2 48, 48, यहाँ क्रॉस गलत कर दिया था, 48। नाउ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदलना है। देखो जब भी भाइयों आपको मीटर पर सेकंड दिया हो और इसको चेंज करना हो किलोमीटर पर आर में, तो आप क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो इस मीटर पर सेकंड को, और जब भी किलोमीटर पर आर दिया हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हो सकता है आप भूल जाएं कि 5 ऊपर आएगा जल्दी जल्दी में या 8 आएगा, तो आप याद रखना मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हो, किलोमीटर बड़ी क्वांटिटी ना तो बड़ा नंबर ऊपर, और जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, छोटी क्वांटिटी में चेंज करो, तो छोटा नंबर ऊपर, समझ गए। छोटी क्वांटिटी मतलब छोटा अंक, मीटर छोटा होता है ना किलोमीटर से। चलिए तो इस 10 को आप कर लेंगे ऐसे 18/5 से, 5 2 10, 18 2 36, 18 2 36, समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अ ट्रेन इज 250 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रेन टेक 50 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री बाय द रेलवे लाइन, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, तो ट्रेन अपने को ही क्रॉस करेगी, ट्री को क्रॉस करेगी, तो 50 सेकेंड में है ना, 25 25, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा ये तो, है ना। किलोमीटर पर आर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ जाए, 18 आ जाएगा, ये लो। अब देखो यहाँ 5 देखते हैं ना, कोई जल्दी से लगा देगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहे किलोमीटर पर आर में निकालो, और जानबूझ के उसने यहाँ किलोमीटर पर आर नहीं लिखा है ताकि लोग गलती करें। नाउ ईच व्हील ऑफ अ कार इज मेकिंग 5 revolution per second। देखो क्या कह रहा है, एक कार है, इसकी ना ये पहिया है, ठीक है, तो ये हर सेकेंड कितनी बार घूम जाती है, 5 बार रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 84, डायमीटर मतलब व्यास, ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो है वो 84 सेंटीमीटर है।
देन द स्पीड ऑफ द कार इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कार की जो स्पीड है सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालो, बहुत ईजी है। तो भाई डायमीटर 84 है, इसका मीन्स यहां से यहां तक की लंबाई, तो एक 84 एक बार में डायमीटर, पांच बार घूमेगा तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना, वन सेकेंड, तो ये आ गया 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या, ये रहा। 37 पे आ जाते हैं। अ मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 6 मिनट टू चेंज द हॉर्स एट एवरी 7 किलोमीटर। देखो यहां से इसको इस जगह पे जाना है कहीं, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, ये देखो ये दे रखा है यहां से यहां तक का, हर 7 किलोमीटर के बाद, जैसे यहां से चला 7 किलोमीटर यहां से यहां तक, इसके बाद ये 6 मिनट रुकता है, घोड़े को रोकता है चेंज करने के लिए, फिर दूसरा घोड़ा लेता है, फिर 7 किलोमीटर के बाद, ठीक है, तो 7 करके कितनी बार ये रुकेगा चेंज करने के लिए 90 से पहले, तो 7 5 65 7 7 49 7 8 7 7 10 70 है ना, और बढ़ सकते 84, 12 7 84 होता है, ठीक है, और तो 12 7 देख लो 12 7 84 12 × 7 = 84 होगा ना, मतलब 12 बार ये रुकेगा, 7 7 7 12 बार 84 हो जाएगा, यहाँ मान लो यहाँ तक ये 12 बार रुक चुका है यहाँ तक, और 84 किलोमीटर हो गए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 84 किलोमीटर, तो ये कितना बचा, 6 है ना, तो 12 बार ये रुकेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस इज फाइंड, क्या करने के लिए कह रहा है, ए मैन राइड एट द रेट ऑफ दैट मच बट स्टॉप 6 मिनट टू चेंज द हॉर्स एट द एवरी 7 किलोमीटर, द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर, अच्छा कितना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो देखो तो 12 बार तो ये रुकने में, 12 बार तो ये रुका, तो 12 बार रुका तो 6 मिनट करके इतना मिनट लग गया, ठीक है, और यहां से यहां तक 90 किलोमीटर 18 से जाने में इतना टाइम तो लगता ही लगता, 5 घंटे तो लगता ही लगता उसे, जो रुकने का टाइम है 12 बार रुका तो 6 मिनट रुका हर बार, तो कितना इसको 60 से डिवाइड करके आर में चेंज कर लो, घंटे में, मिनट को घंटे में, तो ये 10, तो ये 12/10 घंटे प्लस 5 आर, तो टोटल आर कितना हो जाएगा, 1 घंटे 5 6 घंटे, देख रहे हो, और इस 12/10 को काटो, 2 5 10 2 6 12, तो काट के क्या आएगा, 5 1 5 1/5 और 60 से मल्टीप्लाई कर दो मिनट बनाने के लिए, तो 12, 1 घंटे 12 मिनट ये, और 5 घंटे, तो 6 घंटे 12 मिनट इसको लग जाएगा। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, सपोज करो ये आपका घर है, आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाने में लगता है 5 घंटे, 90 किलोमीटर अपॉन 18 आपकी स्पीड, 5 घंटे, तो 5 घंटे तो लगेंगे, लेकिन चूंकि आप हर 7 किलोमीटर के बाद रुके और 12 बार रुके, तो हर बार 6 मिनट रुके, तो 12 6 72 मिनट, 72 मिनट मतलब 1 घंटे 12 मिनट है ना, 72 मिनट होगा ना ये, 1 घंटे 12 मिनट, तो ये तो आपको एक्स्ट्रा लग गया ना टाइम, वो 5 घंटे तो लगेंगे प्लस ये एक्स्ट्रा, तो 6 घंटे 12 मिनट आपको लगा, ठीक है। चलिए 38 पे आ जाते हैं। अ बस मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आर ओवरटेक अ ट्रक 100 मीटर अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 30 सेकेंड, सेम डायरेक्शन इन 30 सेकेंड्स द स्पीड ऑफ द ट्रक इज, ठीक है। तो देखो इसने क्या कहा कि देखो यहां से ये बस चलनी शुरू हुई, और इसने एक दूसरी बस जो यहां पे थी वो ट्रक, सॉरी ये ट्रक, ये 100 यहां से यहां के बीच 150 मीटर का डिस्टेंस है, ये हो गया स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आर, किसकी स्पीड है बस की, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 6 से 3 से काटो, 3 6 18 और 3 × 3 1 3 5 15 3 2 6 और 3 5 15 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जब दो चीज सेम डायरेक्शन में जाए तो बड़े में से छोटे स्पीड को माइनस करके स्पीड निकाला जाता है,
जो इफेक्टिव स्पीड होता है। तो बस की स्पीड ज़्यादा है जो कि 25/2 माइनस स्पीड ऑफ द ट्रक इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो इसको क्रॉस करना है, इसको इसको यदि बस चाहते हैं ट्रक को क्रॉस करना है तो 150 मीटर इसको चलना होगा ना, और कितने देर में क्रॉस करती है 30 में, काट दो इसको तो ये 5 आ जाएगा, 5 इधर ला के माइनस करो तो एस टी कितना आ जाएगा, 5 इधर आएगा, 5 दूनी 10 तो 125 में से 10 गया तो 15/2, ये तो मीटर पर सेकेंड में आया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो 18/5 से, तो ये 3 और ये 2 से करोगे 9 9 3 27 किलोमीटर पर आवर है क्या, ये रहा ए में, ठीक है। चलिए 39 पे आ जाते हैं। अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर इज कवर्ड बाय अ पर्सन, चेन्नई टू बैंगलोर कवर्ड बाय अ पर्सन हु ऑल्सो रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, गया 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आया भी, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखो इसको ऐसे लिखो, देखो वो चेन्नई से बैंगलोर गया, ठीक है, और फिर बेंगलोर से चेन्नई वापस आ गया, ठीक है, और इसकी स्पीड जो थी दोनों ही केस में 80 किलोमीटर पर आर, यहां भी 80 किलोमीटर पर आर और यहां भी 80 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो आप कोई भी डिस्टेंस ले लो जो इन दोनों नंबर से कट जाए, मैंने ले लिया 80, तो चेन्नई से बेंगलोर की दूरी यदि 80 है तो टाइम जाने में कितना लगेगा, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा 1 घंटे, ठीक है ना, और यहां भी 1 घंटे लगेगा उसको। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो कि 80 प्लस 80 गया और 80 आया 160, और टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटे जाने का 1 घंटे आने का, 2 से डिवाइड कर दो, 80 किलोमीटर पर आवर ही आ जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमेशा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी बटा कुल समय। 40, अ सेलर गोज 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, देखो 12 किलोमीटर ये डाउनस्ट्रीम आया इन 48 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर 20 सेकंड, ठीक है भाई, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, आया और फिर गया, ठीक है, तो जब वो रिटर्न हो रहा था तो उसे 48 मिनट लगा, और जब जा रहा था तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रिवर उसको पीछे की तरफ धक्का देगी, तो 1 घंटे 20 मिनट मीन्स 80 मिनट लग गया, समझ गया आप, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 12 किलोमीटर का है। कह रहा था स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बताओ कि सेलर की स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो जब वो नीचे आ रहा था तो सेलर की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड रहेगी, है ना, और जब ऊपर जा रहा था सेलर का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड होगा, समझ गए आप। तो अब देखो, तो हमें किसका स्पीड ज्ञात करना, सेलर का, तो सेलर का स्पीड हमें यदि निकालना है तो वो हो जाएगा अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम का स्पीड अपॉन 2। तो क्या हमें अपस्ट्रीम स्पीड पता है क्या, इसको हटाओ, अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, ये देखो ये अपस्ट्रीम है ऊपर जाना और ये डाउनस्ट्रीम नीचे आना, तो अभी यहां पे स्पीड कितनी होगी, 12 किलोमीटर और 48 मिनट, इसको 60 से डिवाइड करके ना घंटे में चेंज कर लो, तो 12 चौके 48 12 5 60 4/5 सॉल्व करोगे 12 × 5/4 हो जाएगा, 4 × 8 5 × 10 तो ये आ जाएगा 10 आर, है ना, तो 10 घंटे जो यहाँ की जो स्पीड है इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड वो 10 किलोमीटर पर आर है, अप स्ट्रीम कितनी है देखो, तो वो स्पीड इसकी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 80 मिनट, 80 मिनट को घंटे में चेंज कर लो 60 से, तो 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8 तो ये 3/4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 3 × 3 = 9 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रख दो अब 10 + 9/2 19/2 तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ काटने में थोड़ा गलती कर दिया, 4 × 3 = 12 होगा ना, 4 × 3 = 12 ये 15 होगा, तो ये 15/9 15 + 9 15 × 5 = 20 और 4 = 24 है ना, 24/2 तो कितना आएगा 12 है क्या, ये रहा, फिर से सुनो, देखो हमेशा यदि आपको अपस्ट्रीम स्पीड और ये डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दिया हो तो सेलर का स्पीड होता है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, और जो बोट है उसका स्पीड होता है, रिवर का स्पीड होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो,
डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई टू, क्योंकि डाउन स्ट्रीम हमेशा छोटा होगा, तो आपका आंसर निकल आएगा। जो बोट स्ट्रीम का मैंने आपको चैप्टर करवाया था, यदि आपने देखा होगा तो आप कर लेंगे इसको बहुत ईजिली, और खैर आपको अभी समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, कह रहे इसमें से कौन सा छोटा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63 6 7 42, कौन सा छोटा, ये ना इसको हटाओ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 9 4 36, कौन सा छोटा, 35 7 बाई 9, फिर इसको हटाओ, फिर इससे करो 7 7 49 9 5 45, कौन छोटा, ये छोटा 49 45 छोटा होगा ना, तो 5 बाई 7 ये लगा दो। चलो आगे आ जाओ, 1/2 ऑफ, कह रहा है 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 2 1/2 ऑफ 10, ऐसे कह रहे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किसी संख्या का, कोई संख्या n, इसका 3/4 का 1/2, 10 का 2.5 2 1/2 है ना, तो ये नंबर कह रहा है बता दो कितना है, कोई बात नहीं, ये 3/8 हो जाएगा n, और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 + 1 5/2 × 10, ठीक है बस काट दो, 2 5 10, ये 8 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 5 40 40 5 5 2 200 और नीचे आ जाएगा 3, तो काटोगे तो क्या आएगा ये 66 2/3, ये तो याद रहता है 200 2/3 ना, 66 2/3 होता है, परसेंटेज में पढ़ाया मैंने आपको ये। चलिए, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, तो पहले नंबर निकाल लो, ये 12 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 5 60 6 12 6 18 180 आ गया नंबर, देन 3/10, इस नंबर का 3/10 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 18 3 54 दिस वन। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, इसमें से कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो देखो जो नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो भाई आप 8 को कैसे लिख सकते हो, देखो 8 को आप ऐसा लिख सकते हो ना 4 × 2 4 2 8, तो जो संख्या 8 से डिवाइड होगा वो 4 और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो, तो देखो ये यहां पे इवन नंबर सम संख्या है, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये हो पाएगा क्या, नहीं होगा, इट मींस यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो इसमें ये वाला माइनस का है, तो जो प्लस प्लस का है उसे पहले प्लस कर लो, 19.673 फिर 15.224 और फिर 10.111, इसको पहले प्लस कर लो, 4 3 7 1 8 7 3 10 1 6 4 10 1 9 10 5 15 1 और ये 4 और यहाँ ये आ जाएगा, उसमें से माइनस कितना करना है, इतना 12.235, ठीक है, 8 में से माइनस करना है, 8 में से 5 गया 3, यहाँ से लो यहाँ 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 1 गया 3, 32.773 है क्या, 32.773 ए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए 14% ऑफ 80 है ना, तो भाई इसका मीनिंग क्या, 14 का परसेंट ओपन कर दो ऐसे इनटू 80 कर दो, प्लस ये कुछ परसेंट है, मान लो x परसेंट है, तो x बाय 100 इनटू 90 इक्वल टू, ये कह रहा है 31.9, ठीक है। अब इसको पहले आपको क्या करना है, ये 0 0 नानी के यहाँ दे दो, ये यहाँ पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगा दो, ठीक है, ये 0 0 नानी के यहाँ गया, अब देखो यहाँ भी 10 नीचे 10, नीचे के सारे 10 कट जाएंगे, कटते हैं ऐसे, तो ये क्या बचा, 14 × 8 + 9x = 319, तो 9x क्या हो जाएगा, हमें यही तो निकालना है ना, परसेंटेज की जगह क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 319 और 14 8 14 8 जा कितना हो जाएगा 112 यहां से माइनस कर दो, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 702 और फिर ये 9 नीचे आके डिवाइड होगा, तो 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, तो 23 है क्या, ये रहा, ठीक है।
अब इसको हमें करना है, देखो यहाँ फिर से ये आ गया ना, मीन्स यहाँ का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इधर की साइड की लो पहले डिवाइड करेंगे, कर दो डिवाइड पहले। तो जब आप डिवाइड करोगे 5907 को, ठीक है, और ये इधर आपका 1296 है, नीचे 144 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको पहले काट दो, 2 से काट लो, 12 से काट लो, 12 बार 144, 12 कम 12 0 12 96, 12 यानी 108, 9 आ गया ये, समझ गए आप। अब 9 इसमें से माइनस कर दो, तो जब इसमें से आप 9 माइनस 7 करोगे तो 590 हो जाएगा, 2 और माइनस करना है तो 5898 हो जाएगा, और 8 से फिर डिवाइड, ये 8 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 6 48, 8 7 56, 56 57 58, 2 आ जाएगा, फिर 9 7 4 28, 1 आएगा, फिर 8 आएगा, 7 2 14, 4 आएगा, 0 7 1 7 4 28, 7 5 35, 35 5, 7 8 7 7 49, 5 7 7 4 2। लगते कुछ काटने में हमने रॉन्ग कर दिया, एक बार फिर से इसको काटते हैं, क्या रॉन्ग कर दिया, 5898 आया ना, तो 8 से काटेंगे तो क्या आएगा, 8 7 56 57 58, 2 बचेगा, फिर 9, फिर 8 3 24, 8 6 32 हो जाएगा, 8 3 24, 7 3 वाला आएगा कुछ, 7 3 है क्या, ये रहा यही आएगा, आप काट के देखना यही आएगा आंसर। चलिए 48 पे आ जाइए, 4 बेल रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 5 6 8 एंड 9 सेकेंड, इतने पे बजते हैं, ऑल द वेल्स रिंग साइमल्टेनियसली, ये एक साथ बचे तो कहता है अब अगली बार कभी एक साथ बजेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है ऐसे केस में, हमें एलसीएम लेना होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एक आदमी 5 सेकंड में, एक 6 सेकंड में, एक 8 सेकंड में, एक 9 सेकंड में एक रास्ते को क्रॉस करता है, तो बताओ एक साथ कब मिलेंगे, इन सभी केस में आपको एलसीएम लेना होता है। तो इसका एलसीएम ले लो, तो भाई एलसीएम लोगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, और ये 9 का 9 रहेगा। अब 3 से कर लो तो 5 3 कम 3, और ये 4 ही रहेगा, और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, 6 5 6 30, 4 3 12, तो 12 3 36, 360 हो जाएगा, 360 सेकंड के बाद एक साथ मिलेंगे, लेकिन ये मिनट में है तो मिनट में बदल लो, 6 6 36, 6 मिनट के बाद ये फिर से मिलेंगे, राइट। देखो अब मिल्कमैन है 75 लीटर ऑफ मिल्क, एक मिल्क का इसका भरा हुआ है 75 लीटर इसमें मिल्क है इन वन केन, एंड 45 लीटर इन अनदर, एक दूसरा भी है जिसमें 45 लीटर है, ठीक है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर, कहता है एक ऐसा नापने वाला कोई चीज लो जो इसको भी पूरा पूरा नाप दे और इसको भी पूरा पूरा कर दे। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए बड़ा से बड़ा जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। तो जब बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए होता है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो 45 और 75 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। तो 30 और ये आएगा कितना, 15 और ये 30, 15 दूनी 30, तो आएगा 15। तो 15 जो है वो आंसर हो जाएगा, देखो 15 इसको भी काट देगा, 15 15 14 60, 15 5 75 और 15 3 45, है ना। इसको ये 5 बार इसमें भरेगा तो ये वाला फुल होगा, और 45 वाले को 3 बार भरेगा, है ना। चलिए जब भी मैक्सिमम फाइंड करना होता है तो एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, छोटा करना होता है लोएस्ट तो एलसीएम। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, तो उन 10 नंबर का पूरा सम कितना हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा, इतना। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, कह रहे सभी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो एवरेज क्या होगा, एवरेज भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यदि हम 10 नंबर का एवरेज है हमारे पास, कुछ मान लो एक्स, सभी को 1 1 ऐड करेंगे तो एवरेज में भी 1 ऐड हो जाएगा, सभी में कुछ सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज में भी वही होगा, ठीक है। तो एवरेज क्या कह रहे हैं, एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, 7 है ना, और 12 सब में मल्टीप्लाई किया तो एवरेज में भी 12 हो जाएगा, 12 7 84, 84 जाएगा एवरेज, समझ गए। तो ये हम लोगों ने मैथ का कर लिया, टेस्ट नंबर 7 का। अब हम इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट है वो करेंगे, आप ढंग से एक एक क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन सीखो, जहां दिक्कत होती है पेन ड्राइव में देखो कि वो सर ने उस चैप्टर में कैसे करवाया है, क्या क्या लॉजिक है, ठीक है, और उस चीज को उसी दिन सीख लो, समझ गए। तो आप आराम से ये रखो 170 का टारगेट, 175 का टारगेट आप रखो, इतना ले आओगे, ठीक है ना। थैंक यू।